आइए जैन साहब है तैयार फोन लाइन पर, इस पूरे हफ्ते रहेंगे, पूरे हफ्ते क्या, हाँ पूरे हफ्ते, आज गुरुवार है, कल और सोमवार से तो आ ही जाएंगे मेरे ख्याल से, आ रहे हैं वापस, आने तो चाहिए जैन साहब, कब से आ रहे हैं वापस? मैं कल ज्वाइन कर लूंगा अनिल जी, बिल्कुल आज रात को पहुंच जाऊंगा जयपुर। रिपोर्टिंग फ्रॉम वेयर, आज कहां से? रिपोर्टिंग फ्रॉम श्रीनगर सर, रिपोर्टिंग फ्रॉम श्रीनगर। अरे अनिल जी मुंबई, अरे हम तो जा नहीं सकते, घूम नहीं सकते, कम से कम रिपोर्टिंग लाइव तो करते हैं वीडियो पे, फोन पे तो कम से कम मतलब हम भी देख, ज्यादा बर्फ दिख जाती है, ज्यादा मोटे कपड़े में दिख जाता अनिल जी। चलिए बढ़िया है, लेकिन फिर भी वाकई में ये तारीफ करने वाली बात है कि जैन साहब छुट्टियों में भी मतलब अपनी जिम्मेदारी करेक्ट ध्यान रखकर बिल्कुल के चलिए ठीक है, जो दर्शकों का प्यार है उनके लिए, तो इसलिए वहां से भी आपके लिए कि समय निकाल रहे हैं और आपको रिकमेंडेशन दे रहे हैं। चलिए बिगुल जैन साहब के लिए, जैन साहब के जेम्स का आने वाली खुशी के लिए एक ख्याल ही काफी है, इबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। बताएं जैन साहब। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच अनिल जी आपके काइंड वर्ड्स के लिए, और सही में इनफैक्ट मैं सुबह से रोज हॉलिडे तो कर रहा हूँ बट आपको जरूर सुनता हूँ और बहुत मजा आ रहा है, इनफैक्ट मैं और मेरी वाइफ दोनों आपको सुन रहे हैं और उनको भी बहुत मजा आ रहा है कि हाँ इट्स सच अ लाइट मोमेंट और इतना एक सीरियस टॉपिक और इतने सीरियस माहौल को हमने इतना बढ़िया कर रखा है। एंड सुबह आपने बोला कि जेम्स पैक करके लाए हो, बिल्कुल मैं जेम्स जब पैक किया था तो मैंने धामपुर शुगर को 369 पे पैक किया था और अभी 400 रुपया हो गया, और देखिए जिस तरीके से अभी सिमी जी ने भी बोल के गए हैं तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी काफी ऊपर आ चुका है, बट फिर भी मैं जाऊंगा धामपुर शुगर के साथ ही, और रीजन इसका यही है कि शुगर स्टॉक्स अच्छा करेंगे, जिस तरीके से क्रूड ऑयल की आज सुबह भी आप बात कर रहे थे और 70% जब बढ़ गया और लास्ट इंक्रीमेंट से, तो मुझे लगता है कि इथेनॉल को सरकार जबरदस्त तरीके से पुश करेगी, और कल भी इसी थीम पे मैंने प्राज इंडस्ट्रीज दिया था और कल के खराब मार्केट्स में भी 6% करीब वो चला था, ऐसा ही लगता है कि मुझे शुगर स्टॉक्स में वापस से माहौल बनेगा, आज बलरामपुर चीनी भी परफॉर्म कर रहा है तो धामपुर शुगर पे ध्यान दे और बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाएं, हो सकता है करेक्शन में वापस से नीचे भी मिले तो स्टैगर्ड वे में बाइंग करें, ऑलरेडी 400 रुपए के लेवल्स आ चुके हैं, फैंटास्टिक फंडामेंटल्स है, 10 के PE मल्टीपल में डिविडेंड यील्ड करीब 2.5% के लगभग, आप देखिए इसके प्रॉफिट की कैगर भी पिछले 5 साल की 70% के लगभग रही है तो, और प्लस क्वार्टरली रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया आ रहे हैं, दिसंबर 2020 में 55 करोड़ का पैट था, उसके सामने 76 करोड़ का पैट है, इन सबको देखता हूं तो बहुत बढ़िया लगता है, और FIIs DIIs ने भी अपने शेयरिंग होल्डिंग को बढ़ाया है और प्रोमोटर्स का भी अभी एक वो डीमर्जर का भी प्लान चल रहा है, एंड काफी पुरानी कंपनी और बहुत ही रिलायबल और बहुत ही अच्छा स्टॉक लगता है मुझे, तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे ले और आराम से 450 के टारगेट के लिए 6 से 9 महीने के लिए। ओके, 450 तक के टारगेट के लिए 6 से 9 महीने, और जिस काम के लिए आप 6 से 9 महीने लगा रहे हैं जैन साहब, सिमी जी ज्यादा टाइम लगाया, अभी अभी आपके फोन के पहले सिमी जी फोन पर थी और उन्होंने आज दी अपनी पिक धामपुर शुगर, उनके टारगेट है 420 425 और 440, बोले बहुत जल्दी आ जाएंगे। बिल्कुल, वो चौका मार गई, मैं सुन रहा था उनको 9:27 पे उनका कॉल था और तब मैं भी कनेक्ट हो चुका था, बट देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई हैड नो ऑप्शन टू कैंसिल द स्टॉक, मैं दूसरा स्टॉक भी हालांकि प्रिपेयर कर रखा था बट मैं बोल ठीक है इसी के साथ जाए क्योंकि शुगर स्टॉक्स बढ़िया चल रहे हैं। मेरे ख्याल से प्राज आपने कल प्राज ही दिया था, नहीं कल प्राज कल प्राज दिया था और बाकी आपके वो कोठारी शुगर और कौन कौन से शुगर तो गजब की कमाल करते दिख रहे हैं, इनफैक्ट आपको कोठारी प्रोडक्ट भी आज बड़ा सुबह सुबह मैंने देखा था बड़ा मजबूती के साथ चल रहा था, बट ये कोठारी प्रोडक्ट अलग है अनिल जी, कोठारी प्रोडक्ट ये अलग शुगर से अलग है, हाँ शुगर, हाँ ये कोठारी पेट्रो प्रोडक्ट्स और कोठारी शुगर एक ग्रुप की कंपनी है, उन दोनों स्टॉक्स ने गजब का कमाल किया है, कोठारी प्रोडक्ट्स को हम रेकमेंड नहीं करते अभी। अच्छा, कोठारी प्रोडक्ट, कोठारी शुगर, ओके या वो रिकमेंडेशन लिस्ट में, ठीक बात है, एंड कोठारी पेट्रो प्रोडक्ट्स। तो कल फिर लाइव दर्शन होंगे आपके? बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल बिल्कुल बेताबी से इंतजार कर रहे हैं, बेताब वैली विजिट करने के बाद बेताबी से इंतजार कर रहे हैं, तो समय से जयपुर पहुंच जाए और उसके बाद अपने इंटरनेट कनेक्शन का गला साफ कर ले, पिछले हफ्ते बहुत खराब था उनका। बिल्कुल एंजॉय कीजिए जैन साहब, चलिए और मुलाकात होगी आपसे जल्द, फिर कल धामपुर शुगर, फिलहाल जैन साहब की